हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों साइंस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, जल में जो स्थायी व अस्थायी कठोरता दूर होती है दोस्तों, तो जल का जो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जो सोडियम कार्बोनेट होता है NaCO3 वो मिलाकर जल की स्थायी व अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा है, तो जो वर्षा का जो जल होता है दोस्तों जो डायरेक्ट जो आसमान से स्काई से आता है दोस्तों वो है दोस्तों शुद्धतम रूप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो भारी जल अणु होता है दोस्तों D2O, उसका जो अनुभार होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों 20। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल की खोज किसने की दोस्तों, तो 1932 में की थी दोस्तों यूरेव वार्शवन ने की थी दोस्तों, और इसका क्या नाम रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, D2O है, और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, डायम टेरियम ऑक्साइड बोलते हैं दोस्तों, डायम टेरियम ऑक्साइड बोलते हैं दोस्तों भारी जल को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, तो सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है दोस्तों, SII यूज किया जाता है दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा है दोस्तों, तो पिटवा लोहा है दोस्तों लोहे का सबसे शुद्धतम रूप। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे के किस रूप को कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो जो पिटवा लोहा है उसके अंदर कार्बन की मात्रा सबसे न्यूनतम होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे की जो मात्रा है वो सबसे अधिक किस में होती है, तो जो पालक की जो पत्तियां होती है उसके अंदर लोह तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो जिंक बोले तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, उसे बोलते हैं दोस्तों गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं दोस्तों लोहे को बचाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत तथा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो चांदी है दोस्तों विद्युत और ऊष्मा का सबसे अधिक चालक दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।